कुचामन सिटी में पूरे प्रदेश की तरह कुचामन सिटी में भी वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और नगर परिषद कुचामन के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी भर्ती में 13,164 पदों की विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें से कुचामन नगर परिषद को केवल 24 पद दिए गए हैं, जो नगर परिषद में आधार पर बहुत कम है। ऐसे में वाल्मीकि समाज की मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में कुचामन में 150 पदों पर भर्ती हो, वाल्मीकि समाज से जुड़े आवेदनकर्ता के लिए अनुभव की जरूरत नहीं हो। सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, सफाई कर्मचारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जाए, सफाई कर्मचारी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की जगह ऑफलाइन आवेदन किया जाए, जन आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। धरने पर बैठे पार्षद फूलचंद ने भी इस मौके पर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। सफाई व्यवस्था बंद कर रखी है, अभी तो पूरी बंद कर रखी है। ठेकेदार के स्तर में 169 आदमी ठेकेदार ले रखा है, वो अपनी व्यवस्था खुद चले। सेम हम धरने पर चल रहे हैं, अभी सभी कर्म